वो ये है कि हम उर्दू जबान को जोड़ने की जबान बनाएं। हम लोग कई बार स्कूल्स में भी जाते हैं, यहाँ पर है जरूरी नहीं कि पीछे से ताली बजाई जाए, नहीं भी बजाएंगे तो चलेगा, मुझे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम लोग स्कूल्स में भी जाते हैं, मान लीजिए तो कई बार होता है कि हम हमारे स्कूल में भी लिंग्विस्टिक क्लास थी, किसी क्लास एट के बाद आपको संस्कृत लेनी है, कई बार ऑप्शन होता है कि आप उर्दू भी ले सकते हैं, कई जगह और थर्ड लैंग्वेज में आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आ गए हैं। तो अगर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं स्कूल्स में तो कई बार लगता है कि उर्दू की क्लास चल रही है, उर्दू सिखा रहे, तो उस क्रम में कई बच्चे होते हैं जो दो तीन चार होते हैं जो उन्होंने उर्दू नहीं लिया होता, तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है या मान लीजिए संस्कृत पढ़ना है तो इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें ली जाए, उसको समुदाय विशेष में नहीं सिर्फ वो समाहित किया जाए, ऐसा नहीं कि भाई हम पर्टिकुलर वर्ग से हैं तो हमें यही सीखना है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उर्दू भी उतना ही जानूँ जितना मैं संस्कृत जानूँ, मेरे पास और समय हो तो मैं बंगाली और इंडिया की जितनी भाषाएँ हैं वो चाहिए कि आप अगर किसी एक विशेष समुदाय से ही बिलोंग करते हैं तो ही आपको सीखनी है। इससे दोनों अर्थ हैं, जो हमारे जैसे अगर इसको स्पष्ट रूप से बताया जाए तो अमूमन लोग सोचते हैं कि मुसलमानों की जबान है उर्दू, वैसा नहीं है, हिंदुस्तानी की जबान है उर्दू। अगर वैसा होता तो आज मुझे आप सभी के सामने उतना अटक के रुक के बात करने की जरूरत नहीं होती, वो माना जाता कि मुझे उतना आता ही है, और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो मुस्लिम्स नहीं है उसके बाद भी बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, जैसे हमारे एडीएम साहब ने वक्तव्य में कहा है कि हमारे इस विशाल और जिस संस्कृति से भरपूर जो हमारा देश है उसमें इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी पहली साहित्य का शुरुआत उर्दू से की, तो वो जरूरी नहीं है कि सभी मुसलमान थे। तो हमारे को जो एक गलत फहमी रहती है कि किसी एक खास वर्ग की किसी एक खास संप्रदाय की जबान है तो वैसा नहीं है, उससे ये इसका जो विकास है जो ग्रोथ होना चाहिए वो और संगीन हो जाती है। हम जब 120 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं तो वो उतना बड़ा दायरा रहना चाहिए कि हम सभी जबान सीखें। हम अगर किसी एक ऐसा नहीं है कि हम मज़हबों के नाम पर भाषाओं का विभाजन करें, मज़हब के नाम पर भाषाओं को बांटें कि किसी एक वर्ग की जबान संस्कृत है, किसी दूसरे वर्ग की जबान उर्दू है, किसी तीसरे वर्ग की जबान कुछ और है। भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं, भाषा एक माध्यम है जो एक इंसान के बीच में कम्युनिकेशन है उस संवाद को कायम कर सकते हैं, भाषा एक मैकेनिज्म है जिससे हम अपनी जो विचार है अपनी भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं। इस पूरी दुनिया की अगर बात करें तो मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, इतने सारे लोग हैं। अगर हम सिर्फ ये माने कि कुछ शब्दों भाषा एक भाव को एक्सचेंज करने का माध्यम है तो पशुओं की भी भाषा है, पक्षियों की भी भाषा है, अंशों के वृक्षों की पेड़ पौधों की भी भाषा होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं कर पाते लेकिन उनके साइन लैंग्वेज है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भाषा का जो मूल भाव है भाषा जोड़ने का काम करना चाहिए, भाषा बांटने का काम नहीं करना चाहिए।